चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं आरआरबी रांची जोन के एएलपी फाइनल कटअप के बारे में, साथ ही साथ आईटीआई के टेक्नीशियन कटअप और पीसीएम के एसएनटी की कटअप का कैटेगरी वाइज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपने दोस्तों अभी तक अजमेर बोर्ड, मैंगलोर बोर्ड, भोपाल बोर्ड, सिकंदराबाद बोर्ड, भुवनेश्वर बोर्ड का अभी तक कटअप नहीं देखा है तो मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पर आपको एएलपी फाइनल कटअप 2019 से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पर इन जोन की कटअप पड़ी है तो वहाँ पर आप जाके इनको जरूर देखिएगा। अगर आप किसी अदर जोन से हो और आप उसकी कटअप देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपकी जोन की कटअप पर बना सकूं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ आपने अभी तक इस ऑनलाइन स्टडी इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को इस रेड बटन पर क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब कर लो और पास ही बने इस बेल आइकन बटन पर भी प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि मेरे द्वारा दी गई सारी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। और जैसे ही इसका रिजल्ट जारी होता है सबसे पहले अपडेट आपको दे दी जाएगी, और जैसे ही रिजल्ट में सभी जोन का आएगा यहाँ पर आपको सभी की चर्चा हम इस वीडियो पर इस चैनल के माध्यम से करने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करो। तो चलिए दोस्तों, रांची बोर्ड के सीबी टू की बात कर लेते हैं तो जनरल की दोस्तों 60.92 रही है, और ओबीसी की बात करें तो 48.52 रही है, और एससी की बात करें तो 30.03 रही है, और एसटी की 31.12 रही है। अब बात कर लेते हैं एएलपी की जो फाइनल कटअप रहने वाली है उसकी, यहाँ पर मेन तौर से बात करते हैं तो एएलपी के लिए जनरल की जो कटअप रहने वाली है वो दोस्तों 63 से लेके 66 के बीच में रहने वाली है, और ओबीसी की बात करें तो 51 से लेके 55 के बीच में रहने वाली है, एससी की बात करें तो 35 से लेकर 37 के बीच में रहने वाली है, और एसटी की बात करें तो 36 से लेकर 38 के बीच में रहने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टेक्नीशियन के अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके एएलपी के अभ्यर्थी इतने मार्क्स नहीं आ रहे तो आप ये अभी साइको का रिजल्ट आना बाकी है, उससे आपके कितने मार्क्स बढ़ते हैं, हो सकता है आपके इतने मार्क्स क्रॉस पार कर पाए और आपका यहाँ पर भी सिलेक्शन हो सकता है। अब जिनका नहीं होता उनका टेक्नीशियन के लिए मैं आपको कटअप बता देता हूँ। टेक्नीशियन की जो कटअप रहने वाली है वो दोस्तों जनरल के लिए तो 64 से लेकर 67 के बीच में ही रहने वाली है, ओबीसी की बात करें तो 52 से लेकर 56 के बीच में रहने वाली है, और एससी की बात करें तो 35 से लेकर 38 के बीच में रहने वाली है, और एसटी की बात करें तो 38 से लेकर 40 के बीच में रहने वाली है। ये कटअप दोस्तों आईटीआई के टेक्नीशियन के अभ्यर्थियों के लिए। अब बात कर लेते हैं पीसीएम के एसएनटी के अभ्यर्थियों की कटअप क्या रहने वाली है। तो पीसीएम के दोस्तों अभ्यर्थियों के लिए जनरल की बात करें तो 80 से लेकर 84 के बीच में रह सकती है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की 77 से लेकर 80 के बीच में रह सकती है, एससी की बात करें दोस्तों तो 72 से लेकर 75 के बीच में, और एसटी की बात करें तो 70 से लेकर 72 के बीच में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये रहेगी इस प्रकार से कटअप। अगर आपने दोस्तों अदर बोर्ड से फॉर्म भरा है वहाँ के आप कटअप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा नीचे अपनी राय दीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, बाय।